अब अपन देख लेते हैं थोड़ा सा बायोलॉजी के एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजी भी धीरे धीरे करता है, करना जरूरी है। तो बायोलॉजी में हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 33 तक बता दिया था, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, 34 नंबर, सबसे पहले आप 34 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, ये लीजिए, है ना। आइए अब अपन यदि हम बात करें, सर बताइए ना कौन सी बुक से है क्वेश्चन बायो में, अध्ययन से या बोध से या एनसीईआरटी से। पर देखो आप थ्योरी तो एनसीईआरटी की पढ़ सकते हो, पढ़ लो, यदि आपको एनसीईआरटी थ्योरी टफ लग रही है तो आप परीक्षा बोध के क्वेश्चंस जो हैं दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, आप वहाँ से कर लीजिए तो हो जाएगा आराम से, क्लियर, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा टफ पड़ जाती है। पायल साहू हेलो, है ना। तो अब अपन देखते हैं कि क्या है भाई साहब, अपन सबसे पहले देखो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देखते हैं, क्लियर। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो में नहीं आया तो केमिस्ट्री में टपकेगा, केमिस्ट्री में नहीं आया तो बायो में टपकेगा, मतलब किसी ना किसी में तो आना ही है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर। तो अपन अब देखते हैं बेटा, वॉटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, वो क्या है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे आप समझेंगे, क्लियर। तो आइए यदि हम देखें यहाँ पे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, तो पहले हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं एक बार, है ना। चलिए तो अपन देखेंगे डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए का डायग्राम, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का हम डायग्राम देखेंगे, है ना। तो यदि हम डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात करें, तो डबल हेलिक्स जानने से पहले हम इसको देखेंगे कि एक्चुअल में डीएनए डबल हेलिक्स कैसे बनता है, इसमें क्या होता है। तो हम थोड़ा सा डीएनए का बेसिक इंट्रो की बात करते हैं, तो हमारी बॉडी में बेटा N2 बेस होते हैं, क्या होते हैं, हमारी बॉडी में N2 बेस होते हैं। इन N2 बेस में यदि हम बात करें, तो डीएनए और आरएनए के अकॉर्डिंग ये N2 बेस अलग अलग होते हैं कुछ, जो कि हमारे डीएनए और आरएनए में डिफरेंस में भी काम आते हैं। तो यदि हम बात करें डीएनए में, तो डीएनए में एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वाइनिन, तीसरा होता है साइटोसिन और चौथा होता है थाइमिन, क्लियर। ये चार N2 बेस जो होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं, वो डीएनए को होते हैं। लेकिन यदि हम आरएनए की बात करें, तो आरएनए में होता है एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और आरएनए में थाइमिन की जगह पे होता है यूरैसिल, क्लियर। तो ये चार होते हैं आरएनए में। अब ये जो डीएनए में हमारे जो N2 बेस होते हैं, जो अपने डीएनए में N2 बेस होते हैं, तो एडेनिन और थाइमिन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, डबल बॉन्ड से, और ग्वाइनिन जो है ट्रिपल बॉन्ड से, साइटोसिन से अटैच होता है, और इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड हैं, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये सिंगल सिंगल हेलिक्स आपस में मिलकर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो अब हम इनका देखते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी आपको वैसे ही बनाना है जैसे मैं बनाऊंगा। कुछ कुछ बच्चों ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर खराब कर दिया था, सही नहीं बनाया, तो बच्चे जो टेस्ट में, मैंने बहुत सारे बच्चों की टेस्ट कॉपी देखा था, कुछ कुछ बच्चों ने गड़बड़ किया था टेस्ट में। तो अब आप लोगों को ऐसे बनाना है डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का, क्लियर। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको ये आना है, ये आना है और ये आना है, ये आना है, ये आना है और ये आना है, या तो आप थोड़ा और एक लूप ले लो, ये आपको इस तरह से डबल हेलिक्स डीएनए बनाना है। इसमें से आप मन इसको एक और लूप कर देते हैं कुछ ऐसा, एक ये हो गया,
एक ये हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे बना दिया एडिनिन डबल बॉन्ड से थायमिन, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन, एडिनिन डबल बॉन्ड थायमिन, एडिनिन डबल बॉन्ड थायमिन, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन, एडिनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन एडिनिन थायमिन, एडिनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन। अपन ने इसके अंदर पे क्या लिख दिया, एन टू बेस लिख दिया। तो ये जो है, ये जो इसके अंदर हैं, ये अपने एन टू बेस हैं। फिर ये हमारा जो पूरा का पूरा एक लूप होता है, इसका डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम। इनके बीच में ये जो हमारे 34 एंगस्ट्रॉम, तो इसका पूरा लूप हो गया। फिर दो एन टू बेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद इनका जो डायमीटर है, दोनों हेलिक्स के बीच का 3D इमेज होता है, तो दोनों हेलिक्स के बीच का जो डायमीटर होता है, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। यदि आप न्यूमेरिकल वैल्यू रख रहे हो तो आपको ये तीनों वैल्यू, 12th में अपन एकदम बेसिक बेसिक मिलेंगे, तो आपको ये तीनों वैल्यू बहुत अच्छे से याद रखना है, क्लियर। उसके बाद आप इनके इंड का नाम भी दे सकते हो, आप इसको बोल दीजिए कि ये हमारा 3' है, तो 3' के अपोजिट जो आएगा ये होगा 5', ये नीचे वाला 3" तो इसके अपोजिट जो जाएगा ये 5". यदि आप 12th MP बोर्ड के एग्ज़ाम में ये डायग्राम बना देते हो डबल हेलिक्स मॉडल में, तो 100% सही है, क्लियर। यहाँ पे जो आपके एन टू बेस होते हैं, इनके बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हम इनको अभी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, क्या होता है, क्लियर। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, एक्सप्लेन द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। तो आपके ऑब्जेक्टिव में एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था, तो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, क्लियर। अब इसमें क्या है, आप इसकी डेफिनेशन एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, क्लियर। तो क्या बोल रहा है बेटा, द स्ट्रक्चर ऑफ DNA वॉज प्रपोज्ड बाई वॉटसन एंड क्रिक। जो स्ट्रक्चर ऑफ DNA है उसको प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। इट इज ट्विस्टेड लेड लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्विस्टेड है ना, और लेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। फिर सेकंड है, इट हैज गॉट टू कॉइल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, कॉइल्ड होती हैं दोनों ऐसे, विच आर ज्वाइंट टूगेदर बाई नाइट्रोजिनस बेस, जो कि एक दूसरे से एन टू बेस से अटैच होती हैं, मैंने अभी डायग्राम बना के दिखाया था, विथ हाइड्रोजन बॉन्ड इन द सेंटर, जो कि दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ए डबल बॉन्ड टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी, क्लियर। तो इस तरह से इनके बीच में जो डबल बॉन्ड होते हैं एक्चुअल में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो दो पॉइंट हो गए। उसके बाद द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड ऑफ DNA आर मेड अप ऑफ शुगर, जो इनकी लॉन्गिट्यूडनल्स होते हैं वो शुगर होते हैं, फॉस्फेट शुगर होती है। एक्चुअल में ये जो शुगर होता है ये फॉस्फेट शुगर होता है, ये फॉस्फेट शुगर होता है, एंड फॉस्फेट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड द हॉरिजॉन्टल प्लेस नाइट्रोजिनस बेस आर टू टाइप। मतलब कि देखो सीधी सी बात है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होते हैं, मतलब ऐसा कुछ ये, तो जो इस तरह की प्लेटेड होती हैं ये अपनी होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, और जो यहां पे ऐसे ऐसे अटैच होते हैं ये होती हैं अपनी कौन सी, ये हमारी हो जाएंगी हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल होती हैं ये हमारे एन टू बेस होते हैं, और जो ये वाली होती हैं ये हमारे फॉस्फेट होते हैं। अभी इसका आगे डायग्राम हम देख लेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा, क्लियर। चलिए, द हॉरिजॉन्टल प्लेस नाइट्रोजिनस बेस ऑफ टू टाइप प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, प्यूरिन आर एडिनिन एंड ग्वानिन, वेयर एज पायरिमिडिन आर साइटोसिन एंड थायमिन, क्लियर। साइटोसिन एंड थायमिन, थायमिन मैंने यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि हम DNA की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो मतलब ये बोल रहा है कि जो प्यूरिन होता है, याद रखिएगा, तो ये होगा
एडिनिन एंड ग्वाइनिन, और जो हमारा पायरिमिडिन होता है ये होगा क्या अपना, ये होगा साइटोसिन एंड थाइमिन। अब प्यूरिन पायरिमिडिन से और पायरिमिडिन प्यूरिन से अटैच होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर यदि समझ में आ रहा हो तो क्लियर क्या बोल रहा है। ये हमारे N2 बेस हैं जो कि एडिनिन थायमिन से डबल बॉन्ड से, ग्वाइनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से, और इसके पास देखिए फॉस्फेट शुगर है जो कि ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन में हमारा फॉस्फेट शुगर, और इस तरह से हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन में N2 बेस अटैच होता है। क्लियर, देखो यदि हम बात करें तो जो हमारा ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है यहाँ पे फॉस्फेट शुगर, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यहाँ पे क्या होता है N2 बेस। तो आप इस डायग्राम को भी बना सकते हैं, वैसे आप ये डायग्राम बना देंगे तो आपका सफिशियंट पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप इधर भी देख सकते हो, ये आपके ऑब्जेक्टिव के काम आएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट 34 का एक और क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज डीएनए डुप्लीकेशन, राइट डाउन इट्स मेथड। डीएनए डुप्लीकेशन क्या होता है, इसके आपको मेथड लिखने हैं। तो हम एक बार इसको बहुत अच्छे से आपको समझा देते हैं कि एक्चुअल में डीएनए डुप्लीकेशन है क्या। क्लियर, इसके बाद हम इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, है ना। तो आ जाइए, सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए डुप्लीकेशन क्या है। तो चलो आओ डीएनए डुप्लीकेशन देख लेते हैं बेटा। डीएनए डुप्लीकेशन, राइट डाउन इट्स मेथड। डीएनए डुप्लीकेशन बहुत आसान है डीएनए डुप्लीकेशन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लेते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, किसकी, डीएनए की। एक सबसे पहली फुर्सत में आप ले लो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो आओ हमने ले लिया ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इस डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट N15 लेते हैं जो कि नाइट्रोजन का होमोलोगस होता है, और नाइट्रोजन के प्रेजेंस में ये हमारा जो डबल हेलिक्स होता है सिंगल हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने इसको सिंगल हेलिक्स में कन्वर्ट कर दिया, ये और ये। क्लियर, इसके अगेंस्ट अपने आप एंटीसेंस एक और स्टैंड बन जाएगी, है ना, एक और स्टैंड इसके अगेंस्ट बन जाएगी ये। तो देखो डुप्लीकेशन हो गया, मतलब एक सिंगल डीएनए था, इस सिंगल डीएनए से हमारे दो डीएनए बन गए, एक ये डीएनए बन गया, एक ये डीएनए बन गया। तो अभी आपने एक सिंगल डीएनए से दो डीएनए बनाया। क्लियर, एक सिंगल डीएनए से आपने दो डीएनए बनाया। मैं इसको ये ऐसे कर दिया क्योंकि अलग कलर है ये। तो ये हो गया क्या, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। एक डीएनए से हम दो डीएनए बना दिए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। अब इसी डीएनए के मेथड को हम देखते हैं थ्योरी बाय थ्योरी, इसको एक एक लाइन समझते हैं। क्लियर, आइए जरा देर ठहरो राम श्यामाना। चलिए, तो वॉटसन एंड क्रिक After giving the double helix model of DNA, also postulate the mechanism of DNA duplication, also known as replication. मतलब कि वॉटसन एंड क्रिक ने जब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल देने के बाद उन्होंने एक और प्रोसेस का बताया था जिसको हम बोलते हैं डीएनए डुप्लीकेशन। और जो डीएनए डुप्लीकेशन होता है, एक्चुअल में डीएनए डुप्लीकेशन में डीएनए की फोटोकॉपी होती है, डीएनए का रेप्लीकेशन होता है, जहां से एक डीएनए अपने आप एक और डीएनए बनाता है, मतलब एक डीएनए दो डीएनए बनाता है, जिसको हम बोलेंगे डुप्लीकेशन। और इसी डुप्लीकेशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लीकेशन। बहुत आसान तरीका होता है, देखो जैसे आपने यहां पे एक डीएनए लिया और इस डीएनए से आपने क्या किया, दो डीएनए बना दिया। ये क्लियर, तो जब आप एक डीएनए से दो डीएनए बना देते हो तो इसी को तो बोलते हैं डुप्लीकेशन। क्लियर, अब डुप्लीकेशन में देखो क्या होगा भाई साहब, यहां पे आप देखो वॉटसन एंड क्रिक
after given the double helix model of DNA, also postulate the mechanism of DNA duplication, also known as replication. इसी को क्या बोलते हैं? Replication. और मैं कितनी बात बता चुका हूँ कि जो replication होता है तो DNA से DNA का बनना replication कहलाता है. और कोई डाउट हो तो जल्दी बता दीजिए. क्लियर? चलो अब थोड़ा थोड़ा चाय मिल गई और मजा आता जाएगा धीरे धीरे, है ना. आओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अकॉर्डिंग टू देम ड्यूरिंग डुप्लीकेशन ऑफ द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजिनस बेस ऑफ द सेपरेट सो दैट टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन ऑफ एंट्री टू दी वन एनोदर. मतलब कि जो हमारा N2 बेस थे तो इन दोनों के N2 बेस, है ना, मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ. यहाँ पे जो N2 बेस थे एडिनिन थाइमिन ग्वाइनिन साइटोसिन, तो ये अपन क्या करते हैं, ये दोनों वीक बॉन्ड होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन वीक बॉन्ड होता है. हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड होता है तो ये टूट जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं. जैसे ये ब्रेक होंगे तो ये दोनों डबल हेलिक्स सिंगल हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे कन्वर्ट हो गया? एक ये. क्लियर? नेक्स्ट फूलवती इज हियर. हेलो सर, नमस्कार बेटा. नेक्स्ट क्या है, देखो दीज स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट एंड बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिसिटी ऑफ बेस पेयरिंग ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ द सेपरेटेड चैन अट्रैक्ट इट्स कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द सेल साइटोप्लाज्म. मतलब ये जो हमारे बने हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, ये अपने अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड अपने आप बना लेते हैं और ये हमारा न्यू DNA बन जाता है. क्लियर? तो ये हो गया. नेक्स्ट मतलब ले जाके डुप्लीकेशन ऑफ DNA अपने को समझ में आ गया. और भी अभी पॉइंट है इसमें क्या क्या है. तो वंस द न्यूक्लियोटाइड आर अटैच बाय देयर हाइड्रोजन बॉन्ड देयर सुगर रेडिकल्स राइट थ्रू दी देयर फॉस्फेट कंपोनेंट कंप्लीटिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन. मतलब जो सिंगल हेलिक्स बने थे उनके जो फॉस्फेट सुगर होते हैं N2 बेस होते हैं तो नई पॉलीपेप्टाइड चैन बना देते हैं. क्लियर? दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डबल हेलिक्स ऑफ द DNA. और इसके रिजल्ट में दो डबल हेलिक्स DNA बन जाते हैं. कितने बन जाएंगे? दो डबल हेलिक्स DNA बन जाएंगे इसके, है ना. DNA वेयर ईच मॉलिक्यूल हैज वन ओल्ड स्ट्रैंड, एक पुरानी स्ट्रैंड होती है, कॉन्ट्रीब्यूट बाई द पेरेंट DNA एंड वन न्यू सिंथेसाइज न्यू चैन. दिस मेथड ऑफ DNA डुप्लीकेशन इज नोन एज द सेमी कंजर्वेटिव मेथड. और इस मेथड को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड. बोलो तो हम एक बार और समझा दें. चलो शॉर्ट में एक बार और देख लो. थ्योरी बहुत आसान है, आप यहां से कर सकते हो. चलिए एक बार और मैं शॉर्ट में रिविजन मार देता हूँ. DNA डुप्लीकेशन क्या होता है, देखो DNA डुप्लीकेशन, यहां पे हमने क्या किया, एक DNA ले लिया. इस DNA को N15 दिया और सेमी कंजर्वेटिव मेथड. सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू जो यहां पे इसके सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू यहाँ पे जो N2 बेस थे, इन N2 बेस में जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम करते हैं ब्रेक. जब इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो ये दोनों हेलिक्स सेपरेट हो जाएंगे. एक ये हेलिक्स सेपरेट हो गया,
एक ये हेलिक्स सेपरेट हो गया, और मैं आपको बता दूं ये ओल्ड हेलिक्स होता है, ये ओल्ड हेलिक्स है डीएनए का और ये ओल्ड हेलिक्स होता है डीएनए का। ओल्ड हेलिक्स में अपने आप इसमें क्या होगा कि जो पॉलीपेप्टाइड चैन है इसके अगेंस्ट न्यू चैन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये न्यू चैन का फॉर्मेशन हो गया और ये जो ब्लू वाली दिख रही है ये हो न्यू पॉलीपेप्टाइड चैन, ये न्यू पेप्टाइड चैन बन जाती है और इस तरह से हमारा कंप्लीट डीएनए बन जाता है, इस तरह से हमारा कंप्लीट डीएनए बन जाता है। तो देखिए एक डीएनए से दो डीएनए का बनना कहलाता है डीएनए डुप्लीकेशन, जिसको हम रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए और डीएनए डुप्लीकेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करिएगा इसको, है ना। और किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते जाइएगा, जिससे आपके कोई भी ऐसे डाउट ना छूटे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। तो होता है डीएनए डुप्लीकेशन। डीएनए डुप्लीकेशन को एक बार फिर से सुनो कि जब वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दे दिया था, तो देने के बाद उन्होंने बोला कि एक डीएनए जो होता है एक दो डीएनए बना सकता है, जिसको उन्होंने डुप्लीकेशन नाम दिया या रिप्लीकेशन नाम दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि जो ओल्ड स्ट्रैंड होता है तो वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम ओल्ड स्ट्रैंड बोलते हैं, और उसके अगेंस्ट एक न्यू पॉलीपेप्टाइड चैन बनती है जिसको न्यू हेलिक्स बोलते हैं, और जब दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो कंप्लीट डीएनए बनता है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए डुप्लीकेशन। और एक डीएनए में जो दो हेलिक्स होती है, एक ओल्ड हेलिक्स होती है एक न्यू हेलिक्स होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए अपन देखते हैं हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन एक्सप्लेन। ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन क्या है इसको एक्सप्लेन करना है, तो पहले मैं ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो यदि हम बात करें ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, तो बेटा जो ऑक्सीजन रिवोल्यूशन होता है वो क्या होता है, तो कैसे कैसे हुआ है ऑक्सीजन जब हमारे धरती में बनी, तो सबसे पहले कैसे ऑक्सीजन बनी, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं, जब हमारी धरती बन रही थी उस टाइम पे ऑक्सीजन था, लेकिन सारा का सारा ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन में यूज हो गया, और हमारा जो इन्वायरमेंट है एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, याद रखिएगा ओरिजिन ऑफ अर्थ, जब धरती बनी थी तब इन्वायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग था, मतलब ऑक्सीजन थी, लेकिन जब धरती बनने के बाद क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जब धरती में मतलब जब धरती में लाइफ बन रही थी उस टाइम पे जितनी भी ऑक्सीजन थी सारी की सारी ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन में यूज हो गई, सारी की सारी ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन में यूज हो गई, और ये जो ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन में यूज हुई उस जिस वजह से हमारी धरती में जब लाइफ बनी थी, जब पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म जब बनना स्टार्ट हुए थे उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं थी और हमारा इन्वायरमेंट था रिड्यूसिंग, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं थी, क्लियर। अब देखो लाइफ तो यहाँ बनी है, मतलब जब से हमारी धरती में लाइफ बनना स्टार्ट हुई है तो हमारी धरती में कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी, इसका मतलब कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम पे हमारी धरती कैसी थी, रिड्यूसिंग, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब लाइफ आगे बढ़ती गई, तो यहाँ पर बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया के बाद यहाँ पर आपको पता होगा ब्लू ग्रीन एल्गी आया, और ब्लू ग्रीन एल्गी में बेटा पिगमेंट डेवलप हुए, और पिगमेंट जब डेवलप हुए तो यहाँ पे आपको क्लोरोफिल भी मिला, जैसे यहाँ पे आपको क्लोरोफिल मिला ना जी, तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या हुआ, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हुआ फोटोसिंथेसिस, और जैसे फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन मिली। अब जैसे ये ऑक्सीजन मिली तो ये ऑक्सीजन ने दो काम किया, हमारे एनवायरनमेंट में पहले से था क्या, मेथेन CH4 पहले से था, और हमारे एनवायरनमेंट में अमोनिया NH3 पहले से था। जैसे ही CH4 को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है तो CH4 CO2 और H2O मॉलिक्यूल देता है, जैसे ही अमोनिया को ऑक्सीजन मिलता है तो ये N2 और H2O मॉलिक्यूल देता है। यहाँ पे आपको जो
CO2 मॉलिक्यूल मिला तो ये CO2 मॉलिक्यूल क्या कर देता है, स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेगा। जैसे ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत लार्ज स्केल में, बहुत ज़्यादा नंबर में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा नंबर पे देखो ये ऐसा हुआ, CO2 प्लस H2O पिगमेंट डेवलप हो गए थे जहाँ पे क्लोरोफिल ए, सनलाइट तो थी ही, तो ये बना दिया C6 H12O6 और क्या बन गया O2। क्लियर। तो यहाँ से देखो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन गया, और किसी भी लाइफ ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है, और ये ऑक्सीजन रिलीज हो गया। जैसे ये ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में आता है तो हमारे इन्वायरमेंट में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट्स में रिएक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में एनर्जी वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, और जहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी मिलती थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी बनने लग जाती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत अच्छा ऑप्शंस मिल जाता है, ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ज़्यादा ग्रोथ होती है, और इस तरह से हमारी धरती में एक इवोल्यूशनरी, एक बहुत ही बड़ी क्रांति हुई, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुआ, और इन सारे रिवोल्यूशंस को हम क्या बोल देते हैं एक साथ, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। तो ऑक्सीजन रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे धरती में बैक्टीरिया के बाद जब पिगमेंट डेवलप होते हैं तो पिगमेंट की वजह से थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। जैसे ऑक्सीजन रिलीज होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होने की वजह से मेथेन और अमोनिया का क्या होता है, डिसोसिएशन, ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाएगी, और जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा, और आगे एक बहुत ही ज़्यादा इवोल्यूशंस हो गया, बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हुआ, एक इवोल्यूशन हुआ, और बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट हुई, और ये एनर्जी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज किए, अलग अलग फील्ड में, कोई केमिकल्स फील्ड में, कोई अलग अलग फील्ड में एनर्जीज को यूज किए, और उनकी बॉडी में, उनके मास में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। इन सब को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। अब इसको हम देखेंगे एग्जाम में अपने को लिखना कैसे। क्लियर। तो चलिए आइए, देखिए क्या लिखा हुआ बेटा यहाँ पे। एवोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द प्रिमिटिव इन्वायरमेंट कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द रिक्वायर्ड इन द एवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड कन्वर्जन ऑफ द रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट इन टू द ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट, हेंस इट इज कॉल्ड द ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। फिर ऑक्सीजन इवोल्यूशन शुड काउज द फॉलोइंग चेंज इन द इन्वायरमेंट। जो ऑक्सीजन इवोल्यूशन से हमारे इन्वायरमेंट में क्या चेंज हुआ, तो सबसे पहले देखो क्या चेंज हुआ बेटा, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन शुड काउज द कन्वर्जन ऑफ रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट इंटू ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट। जैसे ही ऑक्सीजन आया तो जो हमारा इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग था वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडाइजिंग में। सेकेंड पॉइंट क्या है, ओजोन लेयर इज फाउंड 15 मील अबव फ्रॉम ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ सरफेस से 15 मील की डिस्टेंस में ओजोन लेयर बन गई, विच एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ द सनलाइट एंड द प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन द अर्थ सरफेस। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी धरती में आ रही थी तो धरती के चारों ओर ओजोन लेयर बना दिया ऑक्सीजन ने, जिससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सब हमारी धरती पर डायरेक्ट नहीं आ पाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट, ऑक्सीजन रिप्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट डिसोसिएशन मेथेन इंटू CO2 एंड O2। द CO2 इज यूज इन फोटोसिंथेसिस। NH4 ऑफ द प्रिमेटिव इन्वायरमेंट डिसोसिएशन इंटू द H2O एंड नाइट्रोजन, मतलब CH4 भी डिसोसिएट हुआ, अमोनिया भी डिसोसिएट हुआ, जिससे हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करवा देगा। तो ये हमारा एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन हुआ था, और ये हमारा एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन हुआ था ऑक्सीजन को लेके, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बहुत जल्दी हम पहुंचेंगे क्वेश्चन, है ना, आप इनको बस सुन सुन के अच्छे से याद करते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 37 है,
कि व्हाट इज होमोलोगस एंड एनालोगस। मैं आपको बता दूं, होमोलोगस जिनका ओरिजिन सेम होता है, जो बने हैं जो ऑर्गन्स वो सेम होते हैं लेकिन काम अलग अलग होता है, तो वो होता है होमोलोगस। एनालोगस में जस्ट उल्टा हो जाता है, जो एनालोगस होते हैं तो उनका काम सेम होता है, बने अलग होते हैं वो, क्लियर। मतलब उनका ओरिजिन अलग अलग होता है और काम सेम होता है। आप अपने दिमाग में बेसिक सी क्लिक रखिए, जैसे आप सुनो तो आपको पता होना चाहिए होमोलोगस मतलब क्या। इनकी बेटा ओरिजिन जो है वो सेम होती है, बट इनका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। आप अपने दिमाग में ये चीज़ रखिएगा। एनालोगस में जस्ट इसका अपोजिट होता है। एनालोगस में ओरिजिन डिफरेंट होता है और फंक्शन सेम होता है। आप 12th लेवल पे इतना याद रखोगे, सफिशियंट है, क्लियर। चलिए देखते हैं ऑर्गन। सबसे पहले होमोलोगस ऑर्गन, तो ऑर्गन विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट डिफरेंट इन अपियरेंस एंड फंक्शन आर कॉल्ड द होमोलोगस ऑर्गन एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड होमोलॉजी। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है, फॉर लिम्ब बैट विंग्स, फॉर लिम्ब्स हो गए, फॉर लिम्ब्स ऑफ बैट चमगादड़ के, फॉर लिम्ब्स विंग्स ऑफ बैट है ना, हैंड ऑफ मैन अपने हाथ, फॉर लिम्स ऑफ हॉर्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द होमोलोगस। मतलब इन सब के जो ऑर्गन्स होते हैं ये सारे के सारे होमोलोगस होते हैं। मतलब सबका काम अलग अलग होता है लेकिन बनते सेम है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेरिंजियस, तो ये सारा सेम होता है ओरिजिन, लेकिन सबके काम अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे हाथ का काम होता है चीज़ों को पकड़ना, लेकिन इनका काम होता है उड़ना, है ना, तो इस तरह से काम अलग हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन मैंने अभी बता दिया, एनालोगस ऑर्गन में मैंने क्या बताया, जिनका ओरिजिन डिफरेंट होगा लेकिन काम सेम होगा, फंक्शन सेम होगा। एनालोगस ऑर्गन, ऑर्गन विच आर डिफरेंट इन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर नोन एज द एनालोगस ऑर्गन एंड फिनोमिना इज कॉल्ड द एनालोगी। एनालोगी ऑर्गन डू नॉट इंडिकेट द फाइलोजेनी। जो एनालोगस होते हैं फाइलोजेनी को डिनोट नहीं करते, फाइलोजेनी इन द सेंस एक इवोल्यूशंस को, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड मेड अप ऑफ द काइटिन, विंग्स ऑफ बर्ड्स मेड अप ऑफ द प्रोड्यूशन ऑफ द फेदर एंड फॉर लिम्ब्स एंड स्किन प्रेजेंट बिटवीन द फिंगर एंड द बैट आर द एग्जाम्पल ऑफ द एनालॉगी ऑफ द ऑर्गन्स, क्लियर। तो जैसे बटरफ्लाई और बैट दोनों के जो पंखे होते हैं उड़ने के काम आते हैं, लेकिन दोनों का जो ओरिजिन होता है वो अलग अलग हो जाता है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या, एनालॉगी। अब देखो नया क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन होमोलॉगी एंड एनालॉगी। मैं यहां पे आपको पढ़ के बता देता हूं, आपको कर लेना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें होमोलॉगी, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं बोल दे रहा हूं तो आप समझ जाइएगा, क्लियर। तो क्या है होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन में क्या लिखना है अपने को, होमोलोगस और एनालोगस में दोनों में डिफरेंस देना है। तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस देखो दोगे, तो देखो ऑर्गन विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शंस, क्लियर। ये हो गया हमारा पहला। फिर ऑर्गन विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर ऑरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन, यहाँ पे ऑरिजिन और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन सेम होंगे, यहाँ पे ऑरिजिन और स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन फंक्शन डिफरेंट होंगे। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, दीज स्ट्रक्चर इंडिकेट दैट ऑर्गन बींग देम आर द एवोल्यूशनरी रिलेटेड, ये एक एवोल्यूशनरी रिलेशन को देते हैं। दीज स्ट्रक्चर इंडिकेट द ऑर्गेनिज्म बींग दे आर एवोल्यूशनरी डिफरेंट, ये एवोल्यूशनरी डिफरेंट होते हैं, एवोल्यूशनरी सेम होते हैं। फिर दीज ऑर्गन आर सिमिलर इन आउटलुक, एग्जाम्पल है फॉर लिम ऑफ फ्रॉग, हैंड ऑफ मैन, विंग ऑफ बैट, है ना, या दीज ऑर्गन आर डिफरेंट इन आउटलुक, एग्जाम्पल है विंग ऑफ बटरफ्लाई, बैट एंड बर्ड्स, क्लियर। तो ये हो गया हमारा होमोलॉजी और एनोलॉजी में डिफरेंस। नेक्स्ट थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि जरूरी है। हाँ बेटा नेक्स्ट है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द लैमार्किज्म। लैमार्क को एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन नंबर 38, एक्सप्लेन द लैमार्किज्म। तो लैमार्क एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, लैमार्क को जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको पता होना चाहिए, लैमार्क ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बोला था
कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जिस ऑर्गन का जितना ज़्यादा यूज करता है वो ऑर्गन उतना ही ज़्यादा डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लैमार्किज्म। थोड़ा थोड़ा यदि हम बात करें तो हमारी बॉडी में भी अप्लाई होता है। जैसे हम अपने राइट हैंड का ज़्यादा यूज करते हैं एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट, मतलब हमारी पूरी बॉडी में जो राइट वाला पार्ट होता है लेफ्ट वाले पार्ट से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होता है, थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है, ऐसा लैमार्क ने बताया था। एक दो एग्जाम्पल और लैमार्क ने बताया था, जैसे उन्होंने बोला था कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी लेकिन छोटे छोटे जो घास और प्लांट्स थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, तो जिराफ को खाना खाने के लिए ऊँचे पेड़ों को ऊँचे ऊँचे पेड़ों के को ऐसे मतलब गर्दन से पकड़ना होता था ऊंचे ऊंचे पेड़ों को, तो धीरे धीरे उसकी गर्दन भी क्या हो गई, लंबी होती गई। तो ऐसा लैमार्क की थ्योरी में बताया गया था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जिस ऑर्गन का जितना ज़्यादा यूज करता है वो ऑर्गन उतना ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन लैमार्क 100% सही नहीं था, क्योंकि उन्होंने जैसे बताया था कि वो हैमर हथौड़े वाले का नाम दिया था कि जो लोहार होते हैं तो अपने राइट हैंड से ज़्यादा लोहा को पीटते हैं, इस वजह से उनके राइट हैंड के जो बाइसेप्स वगैरह होते हैं लेफ्ट के कंपेयर में ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर यह गलत है। कैसे गलत है? तो जैसे मान लीजिए उन्होंने बताया कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो पहले वो दिन में स्कूल में पढ़ाई करते हैं, शाम को कोचिंग में पढ़ाई करते हैं, रात में घर में पढ़ाई करते हैं, फिर भी उनकी आंखों का साइज नहीं बढ़ा, तो इसका जवाब लैमार्क के पास कुछ भी नहीं था। एक और भी ऐसा एग्जांपल दिया था कि जैसे बोला था कि जो इंसान जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो दिल होता है, जो हार्ट होता है, कंटिन्यू धड़कता रहता है, लेकिन उसका साइज आज तक नहीं बढ़ा है। एक और एग्जाम्पल दिया गया था कि जो ह्यूमंस होते हैं बर्ड्स को देख के हमेशा ये सोचते हैं कि हम भी उड़ जाएँ, हम भी उड़ने लगें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मतलब 100% सही नहीं है, फिर भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं क्या होता है लैमार्किज्म। क्लियर? तो मैंने आउटलाइन आपको समझा दिया, आप इसको देखते हैं। तो इन 1809 में लैमार्क हैज प्रपोज द थ्योरी टू एक्सप्लेन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन विच आर नोन एज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लैमार्क ने 1809 में एक इवोल्यूशनरी थ्योरी दिया था, जिस थ्योरी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अकॉर्डिंग टू लैमार्क, ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड सर्टेन कैरेक्टर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरमेंट, एंड दीज आर एक्वायर्ड कैरेक्टर आर द हेरिटेबल अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। न्यू स्पीसीज आर ओरिजिनेट एज फॉलो। क्या क्या फॉलो होता है? तो सबसे पहला क्या है, न्यू रिक्वायरमेंट एंड विल आर प्रोड्यूज इन द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इफेक्ट एंड चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ नई चीज़ें चेंज होती जाती हैं, न्यू रिक्वायरमेंट एज विल ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू हैबिट। फिर चेंज इन द हैबिट ब्रिंग अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्गन। हैबिट के अकॉर्डिंग उनके ऑर्गन्स में भी चेंज होते जाते हैं, न्यू हैबिट रिजल्टिंग इन द यूज और डिस यूज ऑफ द ऑर्गन। अपने जितने ऑर्गन जिस ऑर्गन का ज़्यादा यूज करते हैं वो ज़्यादा मजबूत होगा, अगर जिसका यूज नहीं करेंगे तो उसका डिस यूज हो जाते हैं और रिसेसिव ऑर्गन्स हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, देखो इंसानों में पहले पूंछ थी लेकिन यूज नहीं किया तो रिसेसिव ऑर्गन हो गई, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे बॉडी हेयर्स हैं, तो पहले इन्वायरमेंट से बचने के लिए बॉडी में हेयर ज़्यादा रहते थे, लेकिन अब इंसान घरों में रहने लगा, कपड़े पहनने लगा, तो बॉडी हेयर धीरे धीरे कम होने लगे। फिर दीज एक्वायर्ड कैरेक्टर आर इनहेरिटेबल, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं हेरिटेबल, दीज एक्वायर्ड कैरेक्टर आर हेरिटेबल, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं हेरिटेबल्स होते हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। हेरिटेबल ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर रिजल्टिंग इन दी डेवलपमेंट ऑफ द न्यू स्पीसीज, और ये जो कैरेक्टर्स होते हैं अगली स्पीसीज में डेवलप होते जाते हैं। तो ये था हमारा क्या लैमार्किज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट बिटवीन लैमार्किज्म एंड नियो लैमार्किज्म। लैमार्किज्म और नियो लैमार्किज्म के बीच में आपको डिफरेंस बताना है दोनों का, तो आओ हम देखते हैं। इट प्रपोज्ड बाय लैमार्क, जो लैमार्किज्म है लैमार्क ने प्रपोज किया था। फिर इट वॉज प्रपोज बाई फैंस गैरेड अमेरिकन को टी एच मॉर्गन, ये तीन साइंटिस्टों ने नियो लैमार्किज्म दिया था। फिर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंटरनल वाइटल फोर्स एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, मतलब हमारे अंदर के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो हमारे वाइटल जो हमारे थॉट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को प्रमोट करते हैं। इट डू नॉट अलाउ द रोल ऑफ इंटरनल वाइटल फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। लेकिन इन तीनों न्यू लैमार्किज्म में बताया कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए आपके इंटरनल वाइटल जो थॉट हैं वो काम नहीं आते हैं,
इट ऑल्सो एक्सेप्ट दीज द रोल ऑफ इनहेरिटेबल ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर पार्शियली इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, लेकिन इनका थोड़ा सा रोल हो सकता है. फिर इट बिलीव द रोल ऑफ चेंज इन एनवायरमेंट कंडीशन इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. फिर इट बिलीव द दैट चेंज इन एनवायरमेंट प्ले डायरेक्ट रोल इन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ऑल एक्वायर्ड कैरेक्टर्स शो इनहेरिटेंस. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ओनली दोज एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेबल आर फाउंड इन द जर्म सेल. तो ये हो जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस. क्लियर? आप इनको बार बार सुनेंगे ना तो आपको याद होता जाएगा. यदि आपको किसी क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी स्पीड स्पीड में, क्योंकि बहुत डीप में नहीं ले पा रहे हैं, तो आप कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया जाएगा, है ना. 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या है ये क्वेश्चन? तो ड्रॉ अ वेन लेवल डायग्राम ऑफ मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट. मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट को आपको लेवल डायग्राम समझना है. क्लियर? तो कैसा है लेवल डायग्राम, आइए अपन इसको देखते हैं. तो देखिए, सबसे पहले मिलर एंड यूरे ने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन किया था. इमेज यहाँ पे थोड़ा ब्लर है, फिर भी आप इसको समझने का प्रयास करो. देखो, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एक क्या लिया, यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक स्पार्क के लिए उन्होंने कंटेनर लिया. इस कंटेनर में उन्होंने मेथेन, अमोनिया, H2O और H2, ये चार जो गैसेस हैं उनने इसके अंदर डाल दिया. इसके बाद देखिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक ये एक ये, दो इलेक्ट्रोड लगा दिया और इन दोनों इलेक्ट्रोड से उन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया. इलेक्ट्रिक स्पार्क जैसे दिया तो यहाँ पे जो ये गैसेस हैं इनके बीच में स्टार्ट हो गई कौन सी केमिकल रिएक्शन. इनके बीच में क्या स्टार्ट हो गई बेटा, इनके बीच में स्टार्ट हो गई केमिकल रिएक्शन. और ये जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, और गर्म होने के बाद ये लाइट येलो कलर का कुछ मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, लाइक कोजरवेट्स. और ये गर्म मटेरियल को इस पाइप के थ्रू यहाँ पे भेजा गया, मतलब इसको ओपन किया गया और इस पाइप के बाहर देखिए कंडेंसर लगा दिया, मतलब इस पाइप के चारों साइड इधर पर एक ऐसा बाहर कवरिंग कर दिया गया और यहाँ पे आइस डाल दिया गया. क्लियर? और यहाँ से ठंडा पानी डाले और ठंडा पानी यहाँ से गर्म पानी बाहर निकल गया, जिससे ये मटेरियल जो यहाँ से निकल रहा है वो ठंडा हो जाए. और यहाँ पे यू ट्यूब में इसको यहाँ पे स्टोर कर लिया गया, यू ट्यूब में इसको यहाँ पे स्टोर कर लिया गया. और बाकी जो वेस्ट था वो इधर पर आ गया. फिर वाटर बॉइलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ पे जब आया इसको देखा गया तो यहाँ पे ये पाया गया कि इसमें कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बनाता है जो मटेरियल उसमें रहते हैं, कुछ कुछ करेक्टर यहाँ पे थे. और यहाँ से बॉइल वाटर, फिर से ये प्रोसेस बार बार रिपीट की गई. तो यहाँ से जो आपको मटेरियल मिला, यहाँ पे जो आपको मटेरियल मिला जो कोजरवेट्स टाइप का था, इसके अंदर लिविंग करेक्टर्स थे. तो जिससे मिलर एंड यूरे ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि जो लिविंग मटेरियल्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, किसी न किसी थ्रू नॉन लिविंग चीज़ों से बनती हैं. क्योंकि जब हमारी धरती बन रही थी तो हमारी धरती में हाई टेम्परेचर था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऐसी चीज़ें हुई. देखो, इसको अपन एक सिंपल वे में हम बात करें तो सिंपल वे में हम ऐसे ले सकते हैं. आओ, मिलर के एक्सपेरिमेंट को हम सिंपल वे में कुछ ऐसे समझ सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि अपन ने एक बेटा यहाँ पे कंटेनर ले लिया, या बेसिक सा ऐसे भी बना सकते हो. क्लियर? अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको चार गैसेस लेनी है. क्लियर? यहाँ पे आप डाल दीजिए CH4, यहाँ पे आप डाल दीजिए NH3, यहाँ पे आप डाल दीजिए H2O, यहाँ पे आप डाल दीजिएगा H2. ये चारों को डाल दीजिए और यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क लगा दीजिए.
इलेक्ट्रिक स्पार्क लगा दीजिए और यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क जैसे देंगे तो ये जो चारों गैसेस हैं इनके बीच में होगा केमिकल रिएक्शन, और ये चारों गैसेस में जैसे केमिकल रिएक्शन होगा तो ये गैसेस कुछ येलो कलर के कोजर बेड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, लाइट येलो कलर के कोजर बेड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ये, है ना, इस तरह के कोजर बेड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये पाइप से जब ये नीचे आएंगे तो हम इस पाइप में कंडेंसर लगा देंगे, ये लगा देंगे हम कंडेंसर। और ये कंडेंसर का काम क्या होता है, जो यहाँ से गर्म चीज़ें इधर आ रही हैं उसको ठंडा करेगा, क्या करेगा, ठंडा करेगा। और यहाँ से आप ऐसा करो, एक यहाँ पे आप कोल्ड वाटर अंदर डालो, एकदम बर्फ जैसे ठंडा पानी कोल्ड वाटर अंदर डालोगे और जिस वजह से ये पानी इस गर्म पाइप के कॉन्टेक्ट में आएगा और ये मटेरियल ठंडा होता जाएगा और यहाँ से आप हॉट वाटर को बाहर निकाल दो। उसके बाद ये जो मटेरियल यहाँ पे आया ये मटेरियल यहाँ स्टोर हो जाएगा, लेकिन इस मटेरियल से जो वेपर्स वाली चीज़ें होंगी वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगी और ये यहाँ पे जो भी वाटर वेपर बनेगा ये यहाँ से फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में मिलर एंड हैरोल्ड यूरे ने यह बताया था कि जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो भी लिविंग चीज़ें बना सकती हैं, जो कि लाइक कोजरवेट्स होता है, कोजरवेट्स की तरह होता है। और कोजरवेट्स एक ऐसा केमिकल्स, एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर लिविंग मॉलिक्यूल्स बनाने की पूरी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिलर एक्सपेरिमेंट। इसकी थ्योरी आप लिख लेना, जिसको समझ नहीं आए तो मैं इसकी थ्योरी जो है व्हाट्सएप के या टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा। क्लियर, चलिए, थैंक यू सो मच।